हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग कंसाइनमेंट का पास्ट ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोगों ने कंसाइनमेंट में स्टडी मटेरियल आरटीपी और एमटीपी सॉल्व कर दिया। हम लोगों ने कंसाइनमेंट का कॉन्सेप्ट कब बिल्ड किया होगा, जब हम लोगों ने स्टडी मटेरियल बनाया होगा, वहीं पे हम लोगों ने कंसाइनमेंट का सारा कॉन्सेप्ट सीखा है। पास्ट ईयर क्वेश्चंस में प्रैक्टिस होता है कि सर जो हम लोगों ने सीखा है क्या उससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं या नहीं होते। हम बोले हाँ। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, कंसाइनमेंट पास्ट ईयर क्वेश्चन। पास्ट ईयर क्वेश्चन कहां से मिलेगा, आपको परचेज करना पड़ेगा। परचेज कहां से कर सकते हैं, मेनली ऑनलाइन ही हम लोग परचेज कर लेते हैं। तो अगर आपको परचेज करना है क्वेश्चन बैंक कि कौन सा क्वेश्चन बैंक सही है, कौन सा क्वेश्चन बैंक ठीक है, तो उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए। वहां पे आपको अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का, मैथ्स का, लॉ का, इन सभी का, मतलब ऑल टुगेदर सीए फाउंडेशन में जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी का प्रीवियस ईयर के लिए जो क्वेश्चन बैंक आता है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा। आप उस लिंक पे क्लिक करें और आप जाकर के सीधे साइट से खरीद सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। मई 2018 श्री गणपत ऑफ नागपुर कंसाइन 500 केसेस ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 1500 ईच टू रावत ऑफ जयपुर। कंसाइनर गणपत, कंसाइनी रावत। श्री गणपत पेज द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द कंसाइनमेंट। कंसाइनर का खर्चा बताया। श्री रावत सेल 350 केसेस ऑफ रूपीज 2100 ईच, बोल रहा है 350 पीस वो बेच दिया और कुछ खर्चा किया। क्लियरिंग चार्जेज 1800, वेयर हाउस एंड स्टोरेज चार्जेज 25,000, पैकिंग एंड सेलिंग 7,000। सर सिर्फ क्लियरिंग चार्जेज है जो स्टॉक के समय काम आएगा। हम बोले हाँ। इट इज फाउंड दैट 50 केयर केसेस लॉस्ट इन ट्रांजिट, 50 पीस तो रास्ते में हरा गया। एंड अनदर 50 केसेस वेयर इन ट्रांजिट, और बाकी का 50 पीस अभी भी रास्ता में। एक बात सोचो, गणपत 500 भेजा, 50 पीस बर्बाद हो गया, 50 पीस अभी रास्ता में है। तो जो कंसाइनी रावत है उसको तो 400 पीस ही मिला होगा। तो जब कंसाइनी को 400 पीस मिला तो जो वो खर्चा किया है वो कितने पीस पे किया, 400 पीस पे। तो जब हम लोग स्टॉक निकालेंगे उस समय ध्यान रखेंगे कि सर कंसाइनी को 400 पीस मिला है और इसी 400 पीस में से वो 350 बेचा है और 50 पीस उसके पास बचा हुआ होगा। हम बोले हाँ। बाकी 50 पीस रास्ते में है, वो भी स्टॉक के अंदर आ जाएगा। हम बोले बिल्कुल। फिर लिखा हुआ है, श्री रावत इज इंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन ग्रॉस सेल, 10% कमीशन देना है सेल का। ड्रॉ अप कंसाइनमेंट अकाउंट रावत अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ गणपत। चलिए शुरू करें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना पीस भेजे हैं, 500 केसेस। एक पीस कितने का है, सर एक पीस भेजे हैं 1500। उसके बाद खर्चा किया है गणपत, टू कैश, खर्चे का नाम कैरेज, फ्राइट, लोडिंग, इन सभी का एक्सपेंस लिखा है। 15,000 कैरेज, 45,000 का फ्राइट, 15,000 का लोडिंग, सब मिला के 75,000 रुपीज। ये जो 75,000 रुपीस कंसाइनर खर्चा किया है वो कितने पीस पे किया है, 500, क्योंकि वो 500 पीस भेजा। हम बोले हाँ। तो ये खर्चा 500 पीस का है। आगे बढ़ो। फिर लिखा है 350 पीस कंसाइनी बेच दिया, कंसाइनी का नाम है राव, सेल कर दिया, कितना पीस, 350 केसेस, कितने रेट पर, सर 2100 के रेट। चलिए 350 × 2100 मल्टीप्लाई करते हैं, सर ये आएगा 735,000। अब उसके बाद लिखा है
कि रावत भी कुछ खर्चा किया है तो रावत के नाम से लिखेंगे, रावत अकाउंट। क्या क्या खर्चा किया है? एक है क्लियरिंग, दूसरा वेयर हाउस और स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, तीसरा पैकिंग एंड सेलिंग, तीनों खर्चा 18,000 का क्लियरिंग, 25,000 रुपया का वेयर हाउसिंग, 7,000 रुपया का सेलिंग खर्चा। आगे फिर लिखा है 50 केसेस जो है वो लॉस्ट इन ट्रांजिट बाय एबनॉर्मल लॉस। क्या इसके लिए वर्किंग करेंगे? हम बोले हाँ, नोट वन, इसके लिए नोट वन बनाएंगे। फिर लिखा है 50 पीस अभी भी रास्ता में है बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। दो तरह का होगा, एक होगा इन हैंड जो मिल चुका है, और दूसरा कौन होगा? इन ट्रांजिट। दोनों के लिए क्या बनाना पड़ेगा? नोट टू। सर इसके लिए आप बनाइएगा नोट टू। हम बोले हां, दूसरा नोट। फिर आगे लिखा हुआ है 10% का कमीशन मिलेगा कंसाइनी को, कमीशन जो सेल किए हैं उसका 10%। सेल किए हैं 7,35,000 का, तो सर 73,500 का कमीशन, खत्म, बस हो गया। तो हम लोग को बस दो वर्किंग करना है, एक एबनॉर्मल लॉस निकालने का, एक कंसाइनमेंट स्टॉक निकालने का। दोनों बात हम लोग जानते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे? सर नोट वन, ये वर्किंग है कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। साथ ही साथ एक और इसी में जोड़ सकते थे, या फिर पहले इसी निकाल, जल्दी से निकालते। पहले कॉस्ट ऑफ कितना लॉस हुआ है, केसेस लॉस इन ट्रांजिट। हम बोले सर 50 केसेस लॉस्ट हुआ है, हर एक का कॉस्ट है 1,575 प्लस कंसाइनर का खर्चा, कंसाइनर खर्चा किया है 75,000, कितने पीस पे? 500 पीस पे। निकालना कितने पीस का है? 50 पीस का, 7,500। तो सर एबनॉर्मल लॉस निकल गया। क्या कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला है? नहीं, कोई इंश्योरेंस क्लेम उलेम नहीं मिला है। अब निकालते हैं सेकेंड नोट में इन ट्रांजिट, नोट टू, क्या निकाल रहे हैं? कंसाइनमेंट स्टॉक। कंसाइनमेंट स्टॉक दो तरह का है, एक इन ट्रांजिट जो अभी रास्ता में ही है। कितना पीस रास्ते में है? सर 50 पीस। कॉस्ट ऑफ केसेस इन ट्रांजिट, सर 50 केसेस एट द रेट 1500, कितना आएगा? 75,000 प्लस कंसाइनर का खर्चा। कंसाइनर कितना खर्चा किया है? 75,000, कितने पीस पे? सर 500 पीस पे। निकालना कितने पीस का है? 50 पीस पे। सर कंसाइनी खर्चा नहीं जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे दोस्त? वो सामान अभी भी रास्ता में है तो कंसाइनी को वो सामान तो मिला ही नहीं। अगर वो सामान कंसाइनी को मिला नहीं है तो कंसाइनी खर्चा किया भी नहीं है, तो इस पे भी कोई दिक्कत नहीं है, 82,500। अब क्या निकालेंगे? इन हैंड, हाथ में जो सामान आया है कंसाइनी का, उस पर कि सर कंसाइनमेंट स्टॉक इन हैंड, कितना पीस? हम बोले 500 भेजे थे, 50 50 100, 50 बर्बाद हो गया, 50 रास्ते में, तो सर सब मिला के 400 मिला कंसाइनी को, उसमें से कंसाइनी कितना बेच दिया? 350। तो सर उसके हाथ में अभी भी 50 पीस होगा। हम बोले ठीक, इन हैंड 50 केसेस, कॉस्ट ऑफ 50 केसेस सर 75,000, 50 × 1500। इसमें जोड़ेंगे कंसाइनर का खर्चा,
कंसाइन खर्चा कितना किया है 75,000, कितने पीस पे 500 पीस पे, निकालना कितने पीस का है 50 पीस का 7,500। क्या इसमें कंसाइनी जोड़ेंगे? हम बोले हाँ, क्योंकि ये सामान कंसाइनी के पास है तो कंसाइनी इस सामान को रिसीव किया है तो कुछ खर्चा किया है। कंसाइनी कितना खर्चा किया है सर? 18,000। ये 18,000 कितने पीस का है? क्या कंसाइनी को 500 पीस मिला? नहीं, 50 तो बर्बाद हो गया। तो क्या कंसाइनी को 450 पीस मिला? नहीं, 50 पीस तो अभी भी रास्ते में है, तो कंसाइनी को 400 पीस मिला। तो ये जो आप 18,000 देख रहे हैं ये कितने पीस का खर्चा है? सर ये 400 पीस का है, और मेरे हाथ में कितना बचा है 50। तो हम बोले सर 18,000 रुपया डिवाइडेड बाई 400। बोले हाँ। उसके बाद 18×5=90, 9,000 डिवाइडेड बाई 4 2,250। ये निकला हम लोग का कंसाइनमेंट स्टॉक इन हैंड का पैसा। आइए निकाले कितना आएगा देखें, 82,000 प्लस 84,750 चलिए जोड़ के बाहर कर दीजिए 1,67,250 रुपी। अब निकालेंगे 2PL बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट। चलो जोड़ा जाए, जोड़ के कितना आएगा 7,35,000 प्लस 82,500 प्लस 1,67,250 जोड़ के आएगा 9,84,750 रुपीज 9,84,750। चलिए इसको भी बाहर करें 50,123,500। अब इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 36,250 जो पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। ये है कंसाइनमेंट का प्रॉफिट 36,250 रुपीज। लिखिए। चलिए अगला क्या बनाने बोला है क्वेश्चन, कंसाइनी रावत का अकाउंट कैसे बनाते थे? सर रावत का नाम ढूंढिए, क्रेडिट में मिलेगा तो डेबिट में लिखिएगा, डेबिट में मिलेगा क्रेडिट में लिखिएगा। क्रेडिट में मिला कहां लिखेंगे? डेबिट में। किस नाम से? कंसाइनमेंट। कि सर कंसाइनमेंट अकाउंट में नाम मिला था। कितना? 7,35,000। उसके बाद फिर से नाम खोजो, सर मिला पैसा कितना? 1,23,500। डेबिट में मिला क्रेडिट में लिखेंगे? 1,23,500 खत्म। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सीजी। इतना पैसा बाकी है जो कंसाइनी को देना है 7,35,000। माइनस करेंगे तो सर ये आएगा 1,09,500 रुपया, सॉरी 6,11,500 रुपया, 6,11,500 रुपया। तो ये हम लोग क्या खत्म हो गया क्वेश्चन मई 2018 का बात। लिखिए। आइए नवंबर 2018 का क्वेश्चन लिखा है, राज ऑफ ग्वालियर कंसाइंड 15,000 केजी ऑफ घी एट रुपीज 30 पर केजी टू हिज एजेंट सिराज एट दिल्ली। कितना सामान भेज रहा है? सर 15 केजी। कितने दाम पे? 30 रुपए के दाम पे। He spent 5 kg per kg as freight and insurance। जो कंसाइनर है वो खर्चा कर रहा है, कंसाइनर का नाम है राज, कंसाइनी का नाम सिराज, for sending the ghee at Delhi। On the way 100 kg of ghee were lost due to leakage which is treated as normal loss। बोल रहा है 100 kg घी लीकेज के कारण बर्बाद हो गया जो कि नॉर्मली माना जाता है बिजनेस में। तो सर ये नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस वाला क्वेश्चन है। हम बोले हाँ। एंड 400 kg of ghee destroyed in transit। 400 kg बर्बाद हो गया रास्ते में। तो सर ये abnormal loss है। हम बोले बिल्कुल। 9,000 was paid to consigner directly by insurance company। Insurance company directly 9,000 रुपया किसको दे दिया है? Consigner को दे दिया है जो abnormal loss हुआ है उसके लिए। सिराज sold 7,500 kg at the rate rupees 60 per kg। सिराज जो है वो 7,500 kg बेच दिया 60 रुपया पर केजी के हिसाब से। अब आप सोचो 15,000 kg उसको हम भेजे थे जिसमें से 100 kg का लीकेज हुआ, 400 kg
रास्ते में बर्बाद हो गया, सब मिला के 500 केजी तो बर्बाद ही हो गया है। तो 15,000 में 500 केजी बर्बाद हो गया, तो जब सिराज को मिला होगा तो वो कितना केजी उसको मिला होगा? सर 14,500 केजी रिसीव किया होगा सिराज। उस 14,500 केजीज में 7,500 केजी वो बेच दिया, तो सर कंसाइनमेंट स्टॉक बचा हुआ है 7,000 केजी का। ही स्पेंड 33,000 ऑन एडवर्टीजमेंट एंड रिकरिंग एक्सपेंसेस, कितना खर्चा किया है सर 33,000 का एडवर्टीजमेंट के ऊपर। आगे यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एक निकालना है एबनॉर्मल लॉस, ये निकालेंगे। वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर, कंसाइनमेंट स्टॉक भी निकालना है। और तीसरा, कंसाइनमेंट अकाउंट बना के दिखलाइए कि उसमें कितना प्रॉफिट लॉस होता है। सिराज इज एंटाइटल टू 5% कमीशन ऑन सेल, कमीशन कितना मिलता है 5% सेल का। चलो शुरू करें। सबसे पहले फॉर्मेट बनाओ। अब सबसे पहले क्या लिखते थे सर, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप पूरा लिखिएगा। कितना भेजे, 15,000 केजी, और एक किलो का दाम कितना 30 रुपए। तो सर 4,50,000 रुपीज का गुड्स भेजा गया। उसके बाद आगे लिखा है नॉर्मल लॉस हुआ है 100 केजी का, उसका कोई मतलब नहीं है। कंसाइनर खर्चा किया है 2 कैश राइट, कितना खर्चा किया है बोल रहा है 5 रुपया पर किलो के हिसाब, तो जाहिर सा बात है 15,000 केजी लेके निकला था 5 रुपया करके, तो सर 75,000 रुपीज का वो फ्राइट पे खर्चा किया भेजने में, हम बोले हाँ। उसके बाद 100 केजी का नॉर्मल लॉस, उसका कोई एंट्री नहीं होता है सर, ये बस वेट बढ़ा देगा जो स्टॉक है उसका, हम बोले हाँ इसका दाम बढ़ जाएगा, ये कॉस्ट में कंसिडर हो जाता है। एंड 400 केजी ऑफ घी डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट, तो हम बोले सर एबनॉर्मल लॉस जरूर होगा, एबनॉर्मल लॉस। इसके लिए क्या बनाएंगे, हम बोले सर इसके लिए तो पहला वाला बनाएंगे नोट। इंश्योरेंस कंपनी पैसा दिया, लिखा है 9,000 वाज पेड टू कंसाइनर, तो बाय कैश या बाय बैंक, सर इंश्योरेंस कंपनी आपको 9,000 रुपया दे दिया, इससे क्या होगा आपका लॉस कम हो जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है जो कंसाइनी सिराज है वो सामान को बेचा, तो सिराज अकाउंट ये सेल किया कितना, 7,500 केजी एट द रेट 60 रुपए के हिसाब से ये 7,500 केजी बेच दिया, तो 4,50,000 रुपया, ये सर 4,50,000 में बेच दिया। फिर आगे लिखा हुआ है खर्चा किया टू सिराज, एक्सपेंसेस किया है एडवर्टीजमेंट कितना 33,000 33,000। देयर आफ्टर कमीशन कितना 5% ऑफ सेल, तो सर सेल है 4,50,000 का, तो 22,500 का सेल जोड़ के 55,500। अब क्या निकलेगा, कंसाइनमेंट स्टॉक, इसके लिए नोट टू, चलिए सबसे पहले सर पहला काम करिए, ये वर्किंग नहीं है, सॉल्यूशन का पार्ट है, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कॉस्ट ऑफ घी लॉस इन ट्रांजिट कितने कॉस्ट का, तो बोले सर 400 केजी घी है, हर एक केजी का दाम 30 रुपए, तो 12,000। क्या प्लस करते हैं, कंसाइनर का खर्चा, कंसाइनर खर्चा किया है कितना 75,000, कितने पे 15,000 केजी पे, निकालना कितना है 400, तो सर 2,000 रुपए। तो सब मिला के सामान जो बर्बाद हुआ है 400 केजी घी, वो कितना कॉस्ट पड़ा हमको 14, इंश्योरेंस का क्लेम मिला, क्लेम रिसीव्ड
9,000। तो हम लोग का एबनॉर्मल में लॉस कितना हुआ है? 5,000। ये है एबनॉर्मल लॉस जो हम लोग लिख सकते हैं यहां कि 5,000 का एबनॉर्मल लॉस। सेकेंड, अब क्या निकालना है? कंसाइनमेंट स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, पहले निकालेंगे इन केजी में कि सर केजी में देख ले पहले कितना लॉस हुआ। हम बोले ठीक, पहले घी सेल ऑन कंसाइनमेंट ये केजी में निकाल रहे हैं। कितना केजी भेजा गया? सर 15,000। माइनस क्या कोई नॉर्मल लॉस है? हाँ। कितने का? 100 केजी का। क्या कोई एबनॉर्मल लॉस है? हाँ, 400 केजी का। क्या कोई सेल हुआ है? सेल ऑफ घी। हम बोले हाँ, घी बिका है 7,500 केजी। तो अनसोल्ड कितना है? हम बोले सर अनसोल्ड ये है 7,000 केजी। हमको 7,000 केजी का दाम यहां लिखना है। तो अब हम ये हो गया हम लोग का बात, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, ताकि हम लोग अभी तक किसमें निकाले हैं? केजी में, कि सर 7,000 केजी का कीमत लिखना है। हम लोग के अमाउंट में लिखेंगे क्योंकि हम लोग नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट बहुत बार देख चुके हैं, तो अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। इन रुपीज, रुपीज में निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे? केजी लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल, कितने रुपए का हम घी भेजे हैं? सर 15,000 केजी भेजे हैं, 4,50,000। बोले हाँ। प्लस कंसाइनर का खर्चा, क्या कंसाइनर खर्चा किया है? हम बोले हाँ, 75,000। माइनस नॉर्मल लॉस सर 100 केजी, इसका कोई वैल्यू नहीं। माइनस एबनॉर्मल लॉस 400 केजी, कितने रुपए का? सर ये था 14,000 जो आप निकाले भी देखे। हाँ सर, सब मिला के कितने रुपए का सामान बर्बाद हुआ, मतलब इतना का लॉस हुआ था, हटा दें इस 400 केजी का दाम। तो ये कितना बचा? सर ये बचा 14,500 केजी। और इधर प्राइस निकालेंगे तो 4,50,000 + 75,000, 5,25,000 माइनस 5,11,000। ये क्या है? हम बोले सर 14,500 केजी जो घी बचा है उसका कीमत कितना है? 5,11,000। सर कंसाइनी है, खर्चा ही लेंगे, कंसाइनी का तो एडवर्टीजमेंट है, वरना कंसाइनी का भी लेते ही हम। चलो ये क्या निकल गया? 14,000 का दाम इतना, तो क्या हम 7,000 का दाम निकाल पाएंगे जो कंसाइनमेंट स्टॉक है? हम बोले हाँ। आइए कंसाइनमेंट का स्टॉक निकालें। कैसे निकालोगे? सर 5,11,000 को डिवाइड करेंगे 14,500 से, और कितना का निकालना है? 7,000। चलिए निकाला जाए और देखा जाए कितना रुपया आएगा। तो ये आएगा 2,46,690 रुपया के अप्रोक्स। तो यहां पे लिखेंगे 2,46,690। तो ये निकला हम लोग का कंसाइनमेंट अकाउंट का बात। आइए प्रॉफिट और लॉस देखें। 5,000 + 9,000 + 4,500 + 2,46,690 सब जोड़ के आएगा 7,10,690। 7,10,690 उसमें से माइनस करेंगे 4,50,075,000 और 55,500। तो जो बचेगा रिमेनिंग बैलेंस 2PL
130,190। ये हम लोग का पीएल का बैलेंस। तो ये हम लोग का नवंबर में था, इसमें बस इतना ही मैंने बोला था, ये भी सॉल्यूशन का पार्ट है, ये भी सॉल्यूशन का पार्ट है और ये भी सॉल्यूशन का पार्ट है। ये निकालने से पहले हम लोग कंसाइनमेंट स्टॉक इन केजी निकाल चुके थे कि हाँ सर 7000 केजी ही बाकी था। लिखिए, आइए नवंबर 2019 का क्वेश्चन पढ़े। लिखा है आनंद ऑफ बेंगलोर कंसाइन टू राज ऑफ पुणे। तो आनंद कौन है? कंसाइनर। राज कौन है? कंसाइनी। गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवाइस प्राइस विच रिप्रेजेंट 125% ऑफ कॉस्ट। लो एक बात क्या वो बता दिया है कि सर लोडिंग कितना है, 25% ऑफ कॉस्ट। लिखा है इनवॉइस प्राइस इज 125% ऑफ कॉस्ट, मतलब जितना कॉस्ट रहेगा इनवॉइस प्राइस कितना होगा 125% उसका। मतलब अगर 100 रुपया कॉस्ट है तो इनवॉइस प्राइस कितना है 125 रुपया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट जुड़ा हुआ है 25%? हम बोले हाँ। तो सर लोडिंग जो है 25% ऑफ कॉस्ट, क्या हम लोग कंसाइनमेंट में पहला ही क्लास में सीखे हैं कि सर 25% कॉस्ट पे तो 20% इनवॉइस प्राइस पे? हम बोले हाँ। इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि सर 20% ऑफ इनवॉइस प्राइस। तो कॉस्ट का जितना 25% निकालना है, इनवॉइस पे अगर हम 20 निकालेंगे तो मेरा काम उससे बन जाएगा। ये चीज हम लोग क्लियर है, ये हम लोग चैप्टर का स्टार्टिंग वाले क्लास में सीखे हैं कि सर 100% कॉस्ट पे तो 50% इनवॉइस पे, 50% कॉस्ट पे तो 33 1/3 इनवॉइस पे प्रॉफिट, 33 1/3 कॉस्ट पे तो 25% इनवॉइस पे, 25% कॉस्ट पे तो 20% इनवॉइस पे। ये हम लोग सिखाए हैं और भी तरीके से बताए हैं कि कितना कितना दूर तक हम लोग निकाल सकते हैं बहुत आराम से। चलो आगे बढ़ा जाए अब, क्योंकि ये चीज सीखे हुए हैं। फिर लिखा है राज इज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस एंड 25% ऑफ एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस। बोल रहा है राज को बोले कि इनवॉइस प्राइस तक हम तुमको 10% कमीशन देंगे और अगर तुम इनवॉइस प्राइस से जितना ऊपर बेचोगे दाम में, उस ऊपर अमाउंट के लिए हम तुमको 25% एक्स्ट्रा कमीशन देंगे। हम बोले ठीक। तो सर कमीशन के ऊपर एक नोट बनेगा? हम बोले हाँ। द एक्सपेंसेस ऑन फ्राइट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड बाई आनंद, कंसाइनर का खर्चा कितना है 12,000। द अकाउंट सेल्स रिसीव बाई आनंद शोज दैट राज हैज एफेक्टेड सेल्स अमाउंटिंग टू 1,20,000। कितना का सेल किया है कंसाइनी? 1,20,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ 75% ऑफ द कंसाइनमेंट। मतलब 75% जो हम सामान उसको भेजे हैं उसका 75% सामान वो कितना में बेचा है? 1,20,000 में वो बेच दिया है। हिज सेलिंग एक्सपेंसेस 9,600, 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स ऑफ द वैल्यू 15,000 वेयर डिस्ट्रॉयड इन फायर एट द पुणे गोडाउन। बोल रहा है कि 10% जितना सामान हम भेजे थे उसका 10% सामान जिसका वैल्यू 15,000 रुपया है वो गोडाउन में आग लगने से बर्बाद हो गया। एंड इंश्योरेंस कंपनी पेड 12,000 नेट ऑफ सैलरेज, और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इसके लिए कितना पेमेंट कर रहा है? 12,000। राज रिमिटेड द बैलेंस इन फेवर ऑफ आनंद, और राज जो है जो पैसा हो रहा है वो भेज दिया है किसको? आनंद को। You are required to prepare consignment account and Raj account in the books of Anand. Show your necessary calculation. चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में सर जो हम लोग लिखते थे स्टार्टिंग में, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इनवॉइस प्राइस पे, ये तो बताया ही नहीं है। हम बोले हाँ नहीं बताया है लेकिन निकाल सकते हैं। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? बोले बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में बोला है 15,000 रुपया का सामान जल के बर्बाद हुआ है जो कि 10% है टोटल गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का। हम बोले मतलब सर? हम बोले बाबू ध्यान दो, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट निकालना है। हम बोल रहे हैं लॉस बाय फायर दिया है, क्या लिखा है 10% ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जो सामान हम भेजे हैं उसका 10%, और दाम कितना बताया है जो आग लग के बर्बाद हुआ है 15,000।
तो क्या गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट निकाल सकेंगे? हम बोले हाँ। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज इक्वल टू 15,000 डिवाइड बाई 10%, दैट इज 1,50,000। ये किसमें निकला? हम बोले सर इनवॉइस प्राइस में। तो इनवॉइस प्राइस में है तो क्या हमको इनवॉइस प्राइस का लोड हटाना पड़ेगा? बिल्कुल, बाय गुड्स सेंट ऑन ऑन कंसाइनमेंट, ये क्या है? लोड। कैसे हटाएंगे? कॉस्ट पे 25% होता है लोड और इनवॉइस पे कितना? 20। तो सर क्योंकि ये इनवॉइस पे है तो इस पे 20% निकालिए, तो 1,50,000 रुपया का 20%, 20% ऑफ 30,000। आगे बढ़ा जाए, फिर आगे लिखा हुआ है कंसाइनी, कंसाइनर खर्चा किया है 2 cash, आनंद खर्चा किया है फ्राइट एंड इंश्योरेंस, कितने रुपए खर्चा किया है फ्राइट एंड इंश्योरेंस पे? 12,000। तो सर कंसाइनर खर्चा लिख दिए। फिर आगे लिखा हुआ है एक्सपेंसेस ऑन फ्राइट हो गया, फिर बोला है कंसाइनी जो राज है वो बेचा है बाय राज अकाउंट, वो सेल किया है कितने रुपए का सामान? 1,20,000। ये कितना इंडिकेट करता है? 75%। और 10% सामान जल गया तो बाय एबनॉर्मल लॉस। सर ये है आपका एबनॉर्मल लॉस। हम बोले ठीक, एबनॉर्मल लॉस का ये हो गया, चलो आगे बढ़ो। एबनॉर्मल लॉस के बाद फिर लिखा है क्वेश्चन में राज रिमिट द बैलेंस इन फेवर ऑफ आनंद, राज जो है वो जो बैलेंस बचेगा उसका पेमेंट हो जाएगा, और कमीशन कितना मिलना है? हम बोले सर कमीशन पे भी बात, 2। राज अकाउंट, वो सेलिंग खर्चा किया है 9,600 सेलिंग एक्सपेंस, और दूसरा कमीशन, कमीशन पे तो बात करना पड़ेगा, इस पे क्या बनाएंगे? नोट नंबर 2। और एबनॉर्मल लॉस पे क्या बनाएंगे? नोट नंबर 1। फाइनली लास्ट में क्या निकालेंगे? कंसाइनमेंट स्टॉक। सर कंसाइनमेंट स्टॉक कैसे निकालेंगे? नंबर्स तो बताया नहीं है। हम बोले कोई बात नहीं, जितना सामान हम भेजे थे उसका 75% वो बेचा, 10% बर्बाद हुआ, तो 85% सामान खत्म। अभी भी क्या होगा? हम बोले सर अभी भी तो 15% सामान होगा ही होगा मेरे पास, इस पे नोट 3। चलो पहले बनाते हैं नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स लॉस इन फायर कितने रुपए का? 15,000। जबकि हम लोग हमेशा एबनॉर्मल लॉस किसमें दिखाते हैं? कॉस्ट। तो सर ये इनवॉइस प्राइस है, आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट इन फायर। अगर हम इसमें से लोड हटा दें, क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस है मतलब कॉस्ट में क्या जुड़ा हुआ है? लोड जुड़ा हुआ है। अगर हम इसमें से लोड का पैसा हटा दें तो क्या मिल जाएगा हमको? हम बोले सर इसमें से लोड का पैसा अगर हटा दीजिएगा तो कॉस्ट मिल जाएगा। हम बोले ठीक, इनवॉइस प्राइस है 15,000, इनवॉइस प्राइस पे कितना लोड है? 20%, तो माइनस कर दो 20%, तो 15,000 का 20% 3,000, तो सर कॉस्ट है 2,000। फिर इसमें क्या ऐड कर देंगे? कंसाइनर का खर्चा, कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनर खर्चा किया है 12,000। ये तो 100% सामान पे बर्बाद कितना परसेंट हुआ है? 10%। तो सर सब मिला के लॉस है 13,200 का, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी 12,000 का पेमेंट कर देगी, माइनस एंड इंश्योरेंस कंपनी पेड क्लेम रिसीव कितना? 12,000।
तो 1200 रुपया क्या होगा आपको एबनॉर्मल में? तो बोले सर ये है 1200 और बाकी का आपको पैसा मिला बाय कैश, ये इंश्योरेंस का क्लेम है। बात ठीक, चलो आगे बढ़े। सर दूसरा नोट, कमीशन के बारे में बात करेंगे हम। बोले हाँ, पहले यहां तक लिखो फिर कमीशन पे आते हैं। नोट नंबर दो, कमीशन। टोटल सेल हम कितना रुपया किया है कंसाइनी? टोटल सेल किया है सर 120,000। क्वेश्चन बोला है 10% कमीशन देंगे इनवॉइस प्राइस के वैल्यू तक। तो हम बोल रहे हैं इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। सामान भेजे थे कितना इनवॉइस प्राइस का? 1,50,000। कितना परसेंट सामान बिक गया? 75%। तो 1,50,000 का 75, 1,12,500। तो सर जो 1,20,000 का सामान भेजे हैं उसमें इनवॉइस प्राइस तक का सेल है 1,12,500, 7,500 का क्या है एबव इनवॉइस प्राइस, सेल एबव इनवॉइस प्राइस। इस पे कितना कमीशन है? 10%। इस पे कितना कमीशन है सर? इस पे कमीशन है 25%। हम बोले आओ अब निकाले कमीशन। इसके ऊपर कितना कमीशन है? 10%। इसके ऊपर 25%। तो कमीशन निकाल सकते हैं हम लोग। इनवॉइस प्राइस तक 10% देंगे और जो इनवॉइस प्राइस से ऊपर होगा उस पर कितना देंगे? 25 प्लस 7,500 का 25% निकाला जाए तो 7,500 का 25% निकालेंगे तो ये आएगा 1,875। चलो जोड़ो 13,125 कमीशन, 13,125 जोड़ के बाहर 725 22,725 ये है राज के बाहर का पैसा कि सर दोनों अमाउंट को जोड़े और बाहर कर दिए राज को इतना पैसा लेना है। बोले हाँ आगे बढ़ो। अब क्या बचा है? कंसाइनमेंट स्टॉक निकालना। चलो कंसाइनमेंट स्टॉक निकालें। जब कंसाइनमेंट स्टॉक निकालेंगे तो वो तो इनवॉइस प्राइस पे निकलेगा तो फिर उसका क्या हटाना पड़ेगा? लोड। नोट थ्री, कंसाइनमेंट स्टॉक। ये किस पे निकलेगा? एट इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस ऑफ अनसोल्ड गुड्स, जो गुड्स हम नहीं बेच पाए। कितने का सामान भेजे थे? 1,50,000 का। उसमें से 10% लॉस हो गया, 75% बिक गया तो सर 85% तो खत्म हो गया। तो जो सामान बचा है वो 15% है तो सर 22,500। इसमें क्या प्लस करेंगे? कंसाइनर का एक्सपेंस। कंसाइनर कितना खर्चा किया है? 12,000। ये तो 100% पे है, हमको तो सिर्फ 15% का चाहिए, 1,800। क्या कंसाइनी का आएगा? हमारे साथ सेलिंग का खर्चा वो नहीं आया। कितना आया कंसाइनमेंट स्टॉक? 24,300। हम बोले हां 24,300। अब इसका रिजर्व हटाएंगे, टू स्टॉक रिजर्व और रिजर्व हटाए। सर इसका स्टॉक रिजर्व हटाना पड़ेगा। नोट फोर, स्टॉक रिजर्व निकालना। सोचना लोड किसके अंदर होता है? सर गुड्स के अंदर। 22,500 में 1,800 में कोई लोड नहीं है, जो एक्सपेंस है उस पर भी लोड होता है। लोड तो सामान के ऊपर है 22,500 का।
क्या ये इनवॉइस प्राइस है? हम बोले हाँ। तो सर इनवॉइस प्राइस पे लोड चल रहा है 20% क्योंकि कॉस्ट में 25% है। कितना आएगा सर? ये आएगा 4500। चलो अब क्या निकालना है? प्रॉफिट या लॉस? चेक करें प्रॉफिट है कि लॉस। सर लॉस आएगा, ये जोड़ के आ रहा है 189,225 माइनस करेंगे तो बाय पी एफ कितना अमाउंट आएगा? 1725। ये निकला हम लोग का बैलेंसिंग फिगर से लॉस। अब दूसरा चीज मैंने बोला है राज अकाउंट, मतलब कंसाइनी का अकाउंट बनाना है। आओ बनाए, ये तो हमेशा सिंपल होता है। राज अकाउंट, चलो कैसे बनाएंगे? सर नाम खोजिए राज का, डेबिट क्रेडिट साइड मिला तो डेबिट साइड लिखेंगे। टू कंसाइनमेंट कितने का? 120,000। उसके बाद डेबिट साइड मिला तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। बाय कंसाइनमेंट कितने का? 22,725। क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है हाँ, राज रिमिट दी बैलेंस इन फेवर ऑफ आनंद। तो सर पैसा जो बचेगा वो उसका पेमेंट कर देगा बाय बैंक। बैलेंसिंग फिगर 120,000, उसमें से माइनस कर देंगे 22,725, तो ये बचना चाहिए 97,275। वही है। तो ये क्या हो गया हम लोग का? नवंबर 2019 का भी सॉल्यूशन लिखिए।